हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी शाम के 3-4 बजने वाले हैं और मैं अभी से ब्लॉग चालू कर रही हूं दोस्तों, क्योंकि सुबह से नहीं कर सकी मैं, क्योंकि बारिश बहुत, रात से ही बहुत बारिश हो रही थी, इसलिए मैंने स्टार्ट नहीं की थी, अभी स्टार्ट की हूं। दोस्तों, मैंने पहले कल की वीडियो में बताया था कि मैं मैके में क्यों रहती हूँ, ससुराल में क्यों नहीं रहती, मैं बताऊँगी आपको। तो आज मैं वही आपको बताने वाली हूँ दोस्तों, मेरी मैरिज लाइफ का स्टोरी इतना लंबा है कि मैं आपको उसे डिवाइड करके बताऊँगी, पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 करके। मैं अब स्टार्ट करने जा रही हूँ दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा दोस्तों। मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड, मेरी शादी 29 अप्रैल 2009 को हुई और तब से लेके अब तक मैं कभी शादी से कभी खुश नहीं रह पाई, तब से लेके अब तक पर डे कुछ ना कुछ हो ही रहा है, कभी झगड़ा, कभी लड़ाई, कभी गाली गलौज, कभी थाना, कभी कोर्ट, कभी कचहरी, कभी पंचायत, सब कुछ होते आ रहा है। 3-3 बेटी हो चुकी है लेकिन अभी तक वो नहीं सुधरा है। फ्रेंड, जब मेरी शादी हुई ठीक 4 दिन के बाद से उसका नौटंकी चालू हो गया दोस्तों, वो अपना रूप दिखाना चालू कर दिया। 4 दिन बाद मेरे पूरे फैमिली, मेरे जो चाचा और रिलेटिव वाले हैं, मेरे पापा, सब लोग मुझे लाने के लिए गए थे। जैसे कहते हैं ना गाँव में कि भरोत है, लड़की को जाके लाना है, भत खिलाई जिसको बोलते हैं, और लेके आना है, वही आने वाले थे। उसी के लिए मैं तैयार हो रही थी, नहाने के लिए गई थी। जैसे मैं नहा के आई, मेरे हस्बैंड ने घींच के मुझे एक चाटा लगा दिया। मैं पूरा शॉक्ड कि आखिर हुआ क्या भाई, मैं तो अभी भी नहीं आई हूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं, तो हुआ क्या। फिर बहुत देर के बाद वो पूरा गाली गलौज करने लगा और अपने फ्रेंड का नाम ले लेके और दोस्तों का और अपने फैमिली की मैं करके बहुत गलत गलत लालचन लगाने लगा, बहुत गलत गलत वाहियात बातें बोलने लगा। मैं पूरा शॉक, मेरे जो जेठ है दो, मैं 3 नंबर पे हूँ, मेरे दोनों जेठ हैं, इसे बोलने लगे कि अभी भी शादी हुआ है, हाथ का मेहंदी नहीं छूटा, अब तुम अपनी पत्नी पर हाथ उठा रहे हो, जुर्म कर रहे हो, ये गलत है। उस वक्त उन लोगों ने साथ दिया है दोस्तों, ऐसा बात नहीं है, मैं गलत नहीं बोलूँगी, साथ दिया है। उसके बाद उन लोग मुझसे माफ़ी मांगने लगे। फिर मेरे चाचा, फर्स्ट में मेरे चाचा पहुँचे, मेरे छोटे चाचा, मेरे पापा 2 भाई हैं, मेरे चाचा पहुँचे। मुझे लगा कि मैं क्यों चाचा को सब कुछ बता दूँ, फिर मैं बता नहीं पाई, मैं छोड़ दिया, जाने दो, हो सकता है गलत फहमी है, ठीक हो जाए सब कुछ। लेकिन नहीं दोस्तों, ये गलत फहमी नहीं था, ये उसका लक्षण ही ऐसा ही है, उसके अंदर शक कुटकुट के भरा हुआ है। सकी इंसान है वो, शराबी है, सकी है और भी बदमाशी करने में बहुत माहिर है दोस्तों। उसके बाद चलते रह गया, लड़ाई झगड़ा होते रह गया, मैं आई यहाँ से गई, सब कुछ हुआ, मारपीट होते रहा, रोज़ शराब पी के आना है, रोज़ झगड़ा करना है, रोज़ पड़े। फिर मेरे पापा मुझे बचा के ले आए कि चलो मेरी फैमिली वाले जाके मुझे बचा के ले आए, और फिर लास्ट में हम मेरे पापा पंचायत बैठाए, हम लोग पर फैसला बैठाया गया, एक बार नहीं 3-3 मरतबा फैसला बैठा, और तीनों बार में यही बोला गया कि लड़का लड़की का छुटा छुटे हो जाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि लड़का सही नहीं है, लड़की के साथ धोखा हुआ है, सामान भी वापस करने का बात हो चुका है, सब कुछ हो गया। फिर मेरे रिलेटिव वाले और पंचायत वाले गए जब सामान लाने के लिए, तो मेरे ससुराल वालों ने सामान देने से मना कर दिया, कह दिया नहीं, हम लड़की नहीं छोड़ेंगे और ना ही सामान जाने देंगे, क्योंकि लड़का लड़की को रखना चाहता है। फिर लास्ट में मेरे पापा गुस्सा हो गए, बोले कि ऐसा बात नहीं है, मेरी बेटी का शादी हुआ, धोखा दे दिया आप लोग, लड़का का माइंड ख़राब है, ऐसा करता ही था कि देखकर कोई भी लगे कि माइंड ख़राब है,
कभी अपना हाथ काट लिया मेरा, कभी गला दबा दिया, कभी मेरा उंगली काट दिया, कुछ भी करते रहता था अनसन कर। उसके बाद हमने केस किया कोर्ट में, कोडरमा कोर्ट में केस किया, कोडरमा कोर्ट में केस किए हम लोग डिवोर्स केस, कि कम से कम हमें छोड़ दो। मेरे पापा बोले मेरी बेटी को छोड़ दो, सामान वगैरह सब कुछ तुम रख लो। मैंने भी बोला कि ठीक है, डिवोर्स केस ही करते हैं, चाहते तो हम कुछ भी कर सकते थे, डोरिएट कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन हम किए नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड में ही गलती थी और कोई नहीं, मेरे साथ कोई गलत नहीं किया था, छोड़ दी मैंने सबको। उसके बाद डिवोर्स केस हुआ, डेट पे डेट आ रहा है, तारीख आ रहा चुका है, वो आ रहा है जा रहा है, दो तीन बार चार बार आया, बोल दिया बार बार कि नहीं हम रखेंगे, बार बार यही बोल रहा है। उसके बाद 5 साल ये केस चला, 5 साल तक केस चला, और पूरा फैमिली आके बोला कि नहीं हम लोग लड़की को देखभाल करेंगे, लड़की के साथ कुछ गलत हुआ हम लोग ध्यान देंगे, कुछ नहीं होगा, माफ़ कर दीजिए, जाने दीजिए, हम लोग भाग लेते हैं, वगैरह वगैरह बोल के, बहुत सारा बोल के साइन कर दिया, सबकी सब सबूत दिया, सब साइन किया, गवाह के रूप में सब साइन किया। फिर कोर्ट के तरफ से मेरी शादी उससे कर दी गई और मुझे भेज दिया गया, चली गई 4-5 साल तक। तब तक बहुत अच्छा रहा, 5 साल तक, 5-6 साल तक एकदम बहुत अच्छा से सब कुछ चला, अच्छा से कमा रहा था, खा रहा था, सब कुछ कर रहा था। उसके बाद करीब 12 अगस्त 2017 को मेरी बड़ी वाली लड़की हुई सिमरन, और उसका नाम सिमरन है दोस्तों, उससे आप मिल चुके होंगे, फर्स्ट ब्लॉग उसी ने स्टार्ट किया था। उसके बाद वो बच्ची होने के बाद 3-4 महीना तक ठीक रहा, फिर से वही ड्रामा चालू कर दिया। ये चालबाज लगा है चाहे कुछ भी है या क्या है समझ में नहीं आया, सबको लगा नहीं ये लड़का दिमागी हालत से ख़राब, जब तक इसको दवा खिला के रखा जाता है तब तक ठीक रहता है। उसको पूरा पर हमें यहाँ पे मैके आ गई, लड़ाई झगड़ा होने लगा, तो मैके आने के बाद मेरे पास मतलब हैसूर का मेरा जो जेठ है, मतलब जेठ उनका फ़ोन आया, वो लोग बोले कि ये लड़का फिर से पहले जैसा चालबाज लगा है चाहे कुछ भी है या क्या है समझ में नहीं आया, सबको लगा नहीं ये लड़का दिमागी हालत से ख़राब, जब तक इसको दवा खिला के रखा जाता है तब तक ठीक रहता है। उसको पूरा पर हमें यहाँ पे मैके आ गई, लड़ाई झगड़ा होने लगा, तो मैके आने के बाद मेरे पास मतलब हैसूर का मेरा जो जेठ है, मतलब जेठ उनका फ़ोन आया, वो लोग बोले कि ये लड़का फिर से पहले जैसा करने लगा है, सो हम लोग इसको बांध ऊन के रांची ले जा रहे हैं, आप लोग वहीं पहुँची, पागलखाना। तो फिर मैंने पापा को बताई, मेरे पापा मम्मी गए वहाँ पर, जब गए तो देखा गया कि रांची में उसको बांध के रखा गया, हाँ सब उनका दोनों भाई जो मेरे जेठ है वो लोग ठान लिए थे कि इसको डाल देना है। मेरे पापा बोले कि नहीं, जो भी करना था शादी से पहले करना था, अब शादी के बाद कर रहे हैं, पहले तो धोखा दे शादी के, पूरा पर्ची निकलने लगा दोस्तों कि ये पहले से ही पागल है, पहले से इसका माइंड का ठीक हो रहा था, दवा खिला के उसका शादी मुझसे कर दिया गया, जब दवा का असर जब तक रहा तब तक वो सही, और दवा ख़त्म होते ही वो फिर से स्टार्ट हो जाता था, यह चीज़ हमसे छुपाया गया था। फिर पापा उसको ले आए कि जाने दो, अब जो भी है इसका इलाज पानी करवाएंगे, हम सब कुछ करेंगे। फिर पापा इलाज करवाएं कि बेटी हो चुकी है, मेरे बच्ची का क्या होगा, बच्ची का क्या होगा। फिर उसको रखा गया, इलाज पानी करवाया गया, यहीं मेरे घर में ही मैके में रखा गया। फिर वो ठीक हो गया, 3-4 महीना के बाद ठीक हो गया। फिर मैं चली गई, बहुत आराम से सारी ज़िंदगी चला। फिर ऐसा करने लगा कि वो कारपेंटर का काम करता है, मेरा हस्बैंड कारपेंटर का काम करते हैं, वो कारपेंटर का काम करने लगा, तो 4 दिन जाए 4 दिन सो जाए। और उसको रांची में डॉक्टर ने बोला था दोस्तों कि इसको माइंड डिस्टर्ब है, ये शराब अगर पिएगा, कोई भी नशा करेगा तो ये फिर से ऐसा हो जाएगा, फिर से इसको दौरा आएगा, फिर से पागल होगा। लेकिन जब तक उसको दवा में रखा गया तब तक वो ठीक था, लेकिन जैसे वो शराब पीना चालू किया उसका दिमाग फिर से ख़राब होना चालू हुआ, और फिर पर डे मैं बर्दाश्त करते जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि हर बार मैके जा के मैं क्या करूँ, इतना थाना कोर्ट कचहरी सब कुछ हो चुका है, फिर भी ऐसा करते रहता है। फिर करते करते उसको फिर से दवाई खिलाया गया, फिर से ठीक किया गया, वो ठीक हो गया।
फिर इसी तरह चलते रहा। मैं अपने आप को समझ गई, जाने दो जो भी होना था, मेरे किस्मत ही टूटा हुआ है, मैं क्या करूँ। मेरे पापा ये सब उस दिन के बाद सिर्फ इलाज मेरे माँ बाप करा रहे हैं, मेरे सास ससुर एकदम देखना छोड़ दिए। मेरा जेठ लोग का कहना है कि मेरा शादी हो चुका है, मेरा बाल बच्चा है, हम लोग अपना देखेंगे कि दूसरा को देखते फिरेंगे। मेरी सास का कहने लगा कि कहना था कि शादी करना चाहता था, शादी कर दिए, अब तुम्हारा हस्बैंड है, अब तुम समझो, इसको समझाओ, इसको इलाज कराओ, दवा दो, सब कुछ करो, ऐसे करके पीछा छोड़ दिया। जब भी लड़ाई करता था, मारपीट करता था, तब घर का सारा लोग, मेरा गोतनी लोग, जेठ जेठानी लोग अपना अपना रूम में चली जाती है, किसी को मदद नहीं करना है, आसपास देखना नहीं है कि हाँ कैसे है, जिंदा है कि मरी है, कुछ भी नहीं देखना है, आज तक नहीं देखना है, अभी तक ऐसे ही चलते हैं। उसके बाद मेरी सेकेंड वाली लड़की हो गई 2017 में, नहीं 2015 में मेरी सिमरन हुई बड़ी वाली लड़की, और 2017 में मेरी सुनैना सेकेंड वाली लड़की हुई। दो दो लड़की हो जाने के बाद भी लोग बोला कि नहीं, अब दो लड़की हो गया, अब जिम्मेवारी आया है तो अब सुधर जाएगा, लेकिन नहीं, उसका दिमाग में ही ये घुसा हुआ है कि मुझे शराब पीना है। जब कोई शराब छोड़े, नशा छोड़े, जो चीज़ उसको मना है वो छोड़े, तब तो सुधरे, लेकिन वो छोड़ा नहीं, वो पीते ही है दोस्तों, पिए जा रहा है, पिए जा रहा है, पिए जा रहा है, पर डे पीना है, पर लड़ाई करना है, 4 दिन काम करना है, 4 दिन घर में रहना है, माँ बाप को कितना फोन करके बोले, जब राशन पानी खत्म हो गया तो फिर घर में फोन करो कि पापा ऐसा बात है वैसा बात है, फिर पापा मेरा पैसा भेज दे, मम्मी भेज दे, कभी भाई लोग भेज दे ऐसे, और फिर मैं राशन ला ला के खाऊं पीऊं चलाऊं। उस पर भी वो ताना मारता है, गाली देता है, और जलन 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 जला हुआ चीज बोलते रहता है, जलन दे। फिर 2017 में मेरी दूसरी वाली लड़की का हो गई, 31 जनवरी 2017 में हुई। उसके बाद सब बोलने लगे कि दो दो बेटी हो गया, अब जिम्मेवारी आएगा, अब सुधरेगा, अब सब कुछ होगा, अच्छा से रहेगा, लेकिन नहीं नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। मैं छोटा सा बच्चा लेके दौड़ रही हूँ, धूप रही हूँ और दौड़ रही हूँ, जहाँ जहाँ पता चला, मैं राशन कार्ड बनाई, आधार कार्ड बनाई, सब कुछ की, और जब भी उसको मदद मांगो तो मदद नहीं करता, लेकिन अगर मैं बना रही हूँ तो वो मुझ पर शक कर रहा है। वही चीज़ को लेके मैं राशन कार्ड जब बनाने के लिए गई, तब भी वो मुझे लांछन लगा रहा है कि तुम इस तरह से है, इतना गंदा गंदा, इतना वाहियत गाली कि जिसे मैं बता नहीं सकती हूँ दोस्तों, इतना खराब खराब गाली देता था वो मुझे। उसके बाद धीरे 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 सोचा, मारपीट मारपीट चलते रहा चलते रहा। फिर एक दिन ऐसा हुआ दोस्तों कि मेरी बच्ची कम सुने ना 3 महीना की थी, 3 महीना के, हाँ 3 से 4 महीना की होने वाली थी, 4 महीना की होने वाली थी, तो वो पलंग पर उलटने लगी थी, और उलटते उलटते वो, मैं बर्तन साफ करने के चली गई, कोई देखने वाला तो है नहीं, सब गोतनी लोग अपना सब अलग हो गया, सब अलग है, मैं अलग हूँ, कोई देखने वाला नहीं, मैं उसको बेड पर रख के और बर्तन धोने के लिए चली गई, और वो वहीं पे था, कमरा में ही था, मैं उसको कह के गई थी कि कमरा में हो तुम, बाबू को देखना, लेकिन वो देखा नहीं, नीचे लेटा ही रह गया, बाबू पलटी बस गिर गई, सुना जो मेरी है जो वो गिर गई, चोट लग गया, और चोट लगा ही बस, उस दिन मेरी ननद की बड़ी लड़की का शादी था, वहाँ जाना भी था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारा घर का काम कर रही थी, जाने के लिए तैयारी कर रही थी कि जाना है शादी में, मामी हूँ मैं छोटी वाली तो जाऊँगी, तो मैं तैयारी कर रही थी। अब वो उसी समय बच्चा रो रहा है और बोल कुछ ना दयाओ ना ताओ देखना, और पीछे से मेरा पैर को, बायां वाला पैर को, बायां, हाँ बायां वाला पैर को इतना जोर से मरोड़ दिया कि कहना नहीं दोस्तों, आज तक मैं बैठ नहीं पाती हूँ अपने पैर मोड़ के, मैं पैर हमेशा फैला के ही बैठती हूँ, मैं बैठ नहीं पाती, अभी तक नहीं ठीक हुआ है, जो नस है मेरा कमर से नीचे का जो नस है पैर का, वो मेरा मुड़ चुका है, अभी तक ही वैसा ही है, पूरा सूजन आ गया, मेरा हालत ख़राब, और लड़ाई झगड़ा करना चालू, फिर शाम को शराब पी के आया, शराब पी के आया, और उसके बाद
गाली गलौज करने लगा, खूब वाहियत वाहियत लांछन वाला गाली से बकने लगा। मतलब एक ही गाली वो बार बार दिए जा रहा है और बहुत लड़ रहा है, कभी पानी फेंक दे रहा है, कभी बर्तन वगैरह फेंक दे रहा है। मेरा मैके से जो मिला हुआ था गोदरेज उसका शीशा तोड़ दिया, पलंग का शीशा तोड़ दिया, सब तोड़ दिया, झगड़ा होते रहा। उसके बाद मैं रात मैं मम्मी को फ़ोन की कि मम्मी ऐसा सा बात है, कोई नहीं देखा, न मेरी सास आई ना मेरी गोतनी लोग आई, कोई देखने के लिए कोई नहीं आया। फिर मैं रोती रही फिर मम्मी को फ़ोन की कि मम्मी ऐसा ऐसा बात है, मेरा हालत बहुत ख़राब है, पूरा सूजन हो गया है और कोई नहीं देख रहा है मुझे। तो फिर मम्मी सुबह सुबह पहुँच गई, रात भर मैं किसी तरह रही, सुबह पहुँची। फ्रेंड अब मैं बाकी का कहानी बहुत लंबी है, स्टोरी है, मैं बताऊंगी बाद में सेकंड पार्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और अगर मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट टू बताती हूँ दोस्तों, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय दोस्तों।